लॉकडाउन के दौरान परेशान जनता के सामने एक और चुनौती सरकार ने पेश की है। बेतहाशा डीजल एवं पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को लेकर शुक्रवार को समाजवादी कार्यकर्ता विधानसभा के सामने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन करने उतरे तो उन्हें लाठियां खानी पड़ी। समाजवादी कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार जनता के साथ उत्पीड़न कर रही है क्योंकि बेतहाशा मूल्य वृद्धि से जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकार है कि वो मजा ले रही है। तेल में मूल्य वृद्धि का विरोध करने उतरे समाजवादी कार्यकर्ताओं को पर शुक्रवार को विधानसभा के सामने लखनऊ में पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और कुछ की हड्डी तो कुछ को तेल में हुई मूल्य वृद्धि का विरोध करने उतरे समाजवादी कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह संविधान में दिए गए विरोध प्रदर्शन के अधिकार को पुलिस या लाठी से कुचलना चाहती है, परंतु वह ऐसा नहीं होने देंगे। वह जनता के साथ हैं और जनता की मांगों के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहेंगे। प्रदेश में विधानसभा के साथ ही अन्य जिलों में भी समाजवादी कार्यकर्ता सड़कों एवं विभिन्न जगहों पर उतरकर तेल की मूल्य वृद्धि का विरोध प्रदर्शन किया। इसी की अनूठी मिसाल पेश की है मेरठ के किला परिषदगढ़ के कार्यकर्ताओं ने। उन्होंने नहर में उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। आप देख रहे थे SM न्यूज। कैमरामैन गुलाम नबी के साथ मैं मोहम्मद इमरान SM न्यूज।